दुबला पतला होना एक आरोपी को तब काम आया जब पुलिस की नाक के नीचे से लॉकअप से फरार होने में उसे कामयाबी मिली। हालांकि आरोपी की किस्मत और कानून के लंबे हाथों का नतीजा ये निकला कि उस आरोपी को पुलिस ने फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या है ये संपूर्ण मसला, आइए देखते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो स्लिम ट्रिम हो। हालांकि इसके अपने ही अलग फायदे भी होते हैं, जो खैर कई लोग जानते भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबला पतला होना आपको जेल की सलाखों से भी छुड़ा सकता है? शायद ही इस बात पर आपको यकीन हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच है। ये मामला है पिंपरी चिंचवड़ के चाकन पुलिस स्टेशन का, जहाँ एक आरोपी जो दुबला पतला था वो अपने कदकाठी की वजह से लॉकअप की सलाखों से फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि उसकी फूटी किस्मत और कानून के लंबे हाथों का नतीजा ये रहा कि उस आरोपी को पुलिस ने फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिस तरीके से वो आरोपी लॉकअप से निकला था, उसका लाइव डेमो पुलिस वालों ने आरोपी से करवाया। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। इस दरमियान वहां के पुलिस अधिकारी ने सावधानी के तौर पर लॉकअप को ग्रिल लगाने की भी जानकारी दी, साथ ही अन्य थानेदारों से ऐसी घटना से सावध रहने की भी अपील की। चाकण पोलीस स्टेशन से ये लॉकअप आहे, पिंपरी चिंचवड ऐकलंय म्हणजे चाकण पोलीस स्टेशन आहे तिथलं हे लॉकअप आहे। त्या लॉकअप मधून आज सकाळी पहाटे आरोपीने इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर आरोपी कशा पद्धतीने पळून गेला याचा एक आपण डेमो या ठिकाणी पाहू। कसा गेला अशा पद्धतीने या ठिकाणी आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि तर इथून पुढे पण आपण सर्वांनी भविष्यात जे ठाणे इन्चार्ज असतील, अंमलदार असतील, लॉकअप गार्ड, त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे। आता आम्ही या ठिकाणी प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून जिथं आमच्या इथून दरवाज्यातून जास्त अंतर राहिलं होतं, तर या ठिकाणी आम्ही पट्ट्या वगैरे मारून घेतोय, प्लस पूर्ण लॉकअपला आम्ही आता जाळी वगैरे बसून घेतोय। तर इथून पुढे सगळ्या ठाणे अंमलदार इन्चार्जांनी सुद्धा असे प्रिव्हेंटिव्ह थोडंसं काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि तसे प्रतिबंधात्मक उपाय करणं आवश्यक आहे। धन्यवाद। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।